आज हमारे पास है द AMO Jaunty Plus एंड ये जो स्कूटर है आई एम गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन क्यों मुझे ऐसा लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि इसका जो प्राइस है दैट इज 1,10,000 rupees, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफ 36,000 rupees, एंड ऊपर से इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इन दिस इन एनी अदर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल आप चंडीगढ़ में इसको रजिस्टर करते हैं, महाराष्ट्र में इसको आप रजिस्टर करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिलेगी वो भी अप्लाई होती है. तो इट इज़ एसेंशियली अ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड अ वेरी गुड सेफ इलेक्ट्रिक स्कूटर. अब सेफ क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ. इस स्कूटर के अंदर आपको सबसे पहले तो सेंट्रल लॉकिंग मिलती है. अगर आपको स्कूटर को लॉक करना है तो आप ये बटन दबाइए, एंड अब इस स्कूटर का जो रियर व्हील है वो मैकेनिकली लॉक हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई स्कूटर चलाना चाहे तो वो नहीं कर सकते बिकॉज इसका पीछे वाला टायर ही मूव नहीं करेगा. अगर आपको अनलॉक करना है यहाँ से आप उसको बटन दबा दीजिए एंड अनलॉक हो जाएगा, एंड देन आपको चाबी भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है. वैसे तो आपको दो चाबियाँ मिलती हैं स्कूटर के साथ, लेकिन अगर आप चाबी नहीं यूज़ करना चाहते यहाँ पर एक बटन दिया है जिससे स्कूटर को आप स्टार्ट भी कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको दबाऊँगा तो एज यू कैन सी स्कूटर अब स्टार्ट हो चुका है. जैसे मैं एक्सेलरेटर दबाऊंगा यू कैन देन एग्जैक्टली यूज दिस स्कूटर. बंद करना हो तो आप लॉक वाला बटन दबा दीजिए एंड आपका स्कूटर बंद हो जाएगा. उसके अलावा सेफ्टी में अभी भी मेरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सेफ्टी के अंदर हमें दो चीज़ें और मिलती हैं. यहाँ पर एक चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है. अब यूजली बहुत बार होता है कि स्कूटर के ऊपर बच्चे यहाँ छोटे बच्चे यहाँ खड़े हो जाते हैं एंड उनके हाथ में एक्सेलरेटर जो है वो आ जाता है, सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस अगर वो आपके स्कूटर की रेस पकड़ लें एंड उसको आगे ले जाएँ. बट इफ़ यू प्रेस दिस बटन, इस वजह से आपके जो ये एक्सेलरेटर है वो लॉक हो जाएगा एंड कोई फालतू की एक्सेलरेशन नहीं हो सकती. सिमिलरली हमें इस स्कूटर के अंदर एक क्रूज कंट्रोल बटन भी मिलता है, विच इज़ वेरी नाइस. अगर आप मान लीजिए किसी एक हाईवे पे लेकर जाते हैं इसको, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. रही बात प्रैक्टिकलिटी की, अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकलिटी भी स्कूटर में आपको बहुत मिल जाती है. इसका जो फ्लोर बेड है दैट इज़ वेरी वाइड. इसके ऊपर आप घर का सामान अगर आप लेके जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो आप बड़े आराम से रख सकते हैं. यहाँ पर आपके पास एक छोटी पॉकेट आ जाती है जिसके अंदर अगर आपको बॉटल वगैरह रखनी है तो वो भी बड़े आराम से आप रख सकते हैं. अब यूजली स्कूटर्स के अंदर आपको जो मिलती है डिक्की वो काफ़ी बड़ी होती है, उसमें हेलमेट वगैरह आ जाता है. बट इस स्कूटर में मुझे ये एक ड्रॉबैक ज़रूर लगता है. तो अगर मैं इस स्कूटर की डिक्की को खोलूँ, पहले मुझे स्कूटर अनलॉक करना पड़ेगा. इस तरीके से वो खुल जाएगा एंड अगर मैं इसको खोलूँ तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कूटर की बैटरी दी गई है, जो कि प्रैक्टिकलिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अब आप हेलमेट वगैरह नहीं रख सकते. बट चार्जिंग वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आपके लिए ये बैटरी डिसकनेक्ट करके इस स्कूटर को की बैटरी को निकाल कर घर पर चार्ज करना बहुत ईजी हो जाता है पहला. एंड दूसरा ये है कि आप अगर इस स्कूटर की एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीद लें तो वो आप अपने घर पर चार्ज करके रख सकते हैं. जैसी बैटरी खत्म हुई आपने ये वाली बैटरी निकाली, उस इसको लगाया चार्ज पर एंड दूसरी बैटरी लेकर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो आप कंटिन्यूअसली इस स्कूटर को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एन इशू. टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकता है, जिसकी वजह से सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस स्कूटर के अंदर. 108 किलोमीटर्स की टेस्टेड रेंज मिलती है. अब कंपनी जो है वो 120 किलोमीटर की रेंज बताती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में 108 किलोमीटर ये स्कूटर आपका चलने वाला है. तो आप सिटी यूज़ में आपको इस स्कूटर को जितना मर्जी यूज़ करें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. स्टाइलिंग के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी गुड लुकिंग स्कूटर. आप अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको जो DRL सेटअप दिया गया है, इंडिकेटर्स आपको हैंडल पर इंडिकेटेड मिलते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर हेडलाइट देखने को मिलती है स्कूटर की, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आपको डिज़ाइन मिलता है हर जगह, आपको कर्वेशियस लुक्स देखने को मिलते हैं, एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं स्कूटर के अंदर. पीछे भी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हैंडल बार है दैट इज़ सॉलिड मेटल, तो आपको स्टेबिलिटी वाइज किसी के पीछे बैठने में दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ पर आपको साइड पेडल भी मिल जाएगा स्कूटर के अंदर, एंड साइड में जो पेडल्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड इसी के अंदर मिलते हैं, जो आई थिंक फॉर अ स्कूटर इज़ वेरी वेरी गुड. सो ओवरऑल आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जस्ट बेस्ड ऑन द सेफ्टी फीचर्स एंड द फीचर्स जो आपको स्कूटर में मिलते हैं. मेरे हिसाब से इट इज़ द परफेक्ट फैमिली सिटी स्कूटर, एंड ऊपर से इसकी जो कॉस्टिंग है 1,10,000 वैसे है, लेकिन उसके ऊपर जो आपको 36,000 का जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, एंड देन ऊपर से आपको जो स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी वो सब इंक्लूड करके इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स ऑन द रोड. AMO के ऑल ओवर इंडिया 250 से ऊपर डीलर्स हैं, 16 स्टेट्स के अंदर इनके डीलर्स हैं. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कूटर,
आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, मैं कुछ डिटेल्स डाल दूंगा। बाकी आप अपनी सिटी के अंदर आपके AMO डीलर से भी बात कर सकते हैं। आई पर्सनली रियली रियली लाइक दिस स्कूटर। बट यही था इस वीडियो में गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑन दिस स्कूटर, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।